हेलो गाइस, मेरा नाम है दिवानकर सहा और आप देख रहे हैं दिवानकर सहा ब्लॉग। सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करा। मेरे हाँ आई नो इतने ज्यादा व्यूज नहीं है, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे काफी ज्यादा व्यूज आए मेरे पे। और आप सब लोगों का इतना प्यार देकर मुझे रोना नहीं आया, खुशी हो रही है। ये व्लॉग तो वैसे एंटरटेनिंग नहीं होने वाला, लेकिन इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ मेरे एरिया में पहले बहुत ज़्यादा केसेस थे, फिर बाद में न्यूट्रल हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे करके एक केसेस दोबारा पॉपअप हो रहे हैं। मेरे नियर बाय एरिया को कंटेनमेंट जोन में भी डाल दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही है। इवन मेरे बिल्डिंग के एक फ्लैट में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया, का नतीजा ये है कि मैं घर से बाहर निकल के एट प्रेजेंट ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा। आई होप कि जल्दी से ये सारा केस ठीक हो जाए तो मैं बाहर निकलूँ एंड आपको मैं अच्छा सा कंटेंट ला के दूँ, अच्छी एक वीडियो ला के दूँ ताकि आप उसको देखे अच्छे से इन्जॉय करें। लेकिन मैं अपना ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। एज आपको पता है कि मैंने न्यू चैनल स्टार्ट करा है, मैंने न्यू कैमरा भी लिया है, तो मुझे अच्छे से कैमरे को यूज नहीं करना आता, मुझे अच्छे से एडिटिंग भी नहीं आती, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। आई गेस शायद कुछ अच्छा ही होगा इसका एंड रिजल्ट। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कहीं भी जाए तो मास्क पहने एंड बिना मतलब के बाहर इस टाइम पे ना घूमें, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अपनी दिल्ली के अंदर पीक पे जा चुका है, अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हो तो रहे हैं ना, खत्म तो नहीं हुआ। तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि बाहर का खाना पीना भी थोड़ा कम कर दें, बाहर कम लोगों से कॉन्टेक्ट में है। और आप बाहर जाएंगे आपको क्या पता भाई सामने वाला कहाँ से आ रहा हो, अगर उसको कोरोना हुआ तो सैनिटाइज करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज थोड़ा ख्याल रखे, काम कर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को लाइक करके एंड बेल आइकन को दबाकर, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे ना।